a South Asian Canadian channel. केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अमृतसर पहुंचे। इस मौके शेखावत ने आख्या कि पंजाब विच भाजपा का परिवार लगातार बढ़ रहा है ते लोग भाजपा की सोच तो प्रभावित होकर पार्टी नाल जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा विच लोगों की बढ़ रही आमद तो स्पष्ट है कि आने वाले स्थानक चोणों विच भाजपा जित प्राप्त करेगी। इस मौके पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा ने आख्या कि वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे भाजपा च शामिल हो रहे हैं। इस दौरान उन्हां दावा किया कि पिछलियां सरकारां वांग लोग अपनी सरकार तो भी तंग आ चुके ने। दोवां आगू इत्थे वख-वख पार्टियां नाल संबंधित 6 कौंसलर समेत कारकुना नूं भाजपा च शामिल करन मौके संबोधन कर रहे सन। पंजाब सूबे के प्रधान डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, जनरल सकत्तर सरदार विक्रम सिंह जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, अमृतसर शहर, अमृतसर देहाती, तरन तारण सभी जिलों के माननीय जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आज इस विशाल ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी महानुभाव पत्रकार मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर एक बार स्वर्णिम सूर्य का उदय हुआ है। सोने का सूरज आज हमारे आंगन में एक बार फिर उगा है। जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सरकार की सर्वस्पर्शी सर्वहितकारी योजनाओं से प्रभावित होकर के इतने सारे वरिष्ठ लोग, जिनमें चुने हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के वरिष्ठ पदाधिकारी, इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का के परिवार में शामिल होना स्वीकार किया है। मित्रों, सामान्यतः राजनीति में किसी एक ऐसे सूबे में जहां एक ऐसी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हो और जनता ने छप्पर फाड़ करके वोट दे करके जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठने का अवसर प्रदान किया हो, ऐसी नई नवेली सत्ता में आई भी पार्टी के शासन में मोह भंग होकर के दूसरे दलों में जाने की प्रक्रिया, ये सामान्य घटना नहीं। आज जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जब ज्वाइनिंग हुई थी, सरदार बोनी सिंह जी और उनके साथ में उस दिन दिल्ली में ऐसे वरिष्ठ लोगों ने जिस दिन ज्वाइन किया था, उसी की श्रृंखला में आज इतने सारे लोगों ने यहां अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण की है और ये क्रम निरंतर आगे चलता जा रहा है। कल जलंधर में भी इसी तरह से बहुत सारी लोग जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न दलों में रह करके कई दशकों तक काम किया है, चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित और होने वाले हैं। ये जो तूफान भारतीय जनता पार्टी में लोगों के आने का बना है, ये अनायास नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन, भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लेकर के संगठन की स्थापना हुई है, उस लक्ष्य के साथ चलना और भारत को विकसित भारत बनाने का जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अपनी सहभागिता, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए और पंजाब के लिए, जो पंजाब आज अराजकता की आग में, पंजाब जो आज गैंगस्टर्स के गोलियों की तपिश से झुलस रहा है, पंजाब जो कर्जे के बोझ के तले दबता जा रहा है, पंजाब जो नशे की गिरफ्त में आकर के बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, आर्थिक कर कुप्रबंधन के चलते बदहाली के रास्ते पर जा रहा है,
उस पंजाब को बचाने को लेकर के लोगों को यदि किसी एक पार्टी से अब कहीं कोई अपेक्षा नजर आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में नित्य प्रतिदिन निरंतर इस तरह से लोगों का सम्मिलित होने का क्रम चुनाव के ठीक बाद से प्रारंभ हुआ और नित्य प्रतिदिन नई गति पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी नए आए हुए सदस्यों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, हृदय पूर्वक मन पूर्वक स्वागत करता हूँ और उनके इस कदम का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूँ कि पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब सूबे की भलाई के लिए, पंजाब में उद्योग धंधे आए, पंजाब में रोजगार आए, पंजाब में आर्थिक समृद्धि आए, पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का व्यापारी, पंजाब का युवा खुशहाल हो सके, इस लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसमें आप सब ने कंधे से कंधा मिला करके साथ देना ऐसा स्वीकार किया है। हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी नए आए हुए लोगों का मान सम्मान की रक्षा करना और हम सब मिलकर के पंजाब के भविष्य के लिए काम करेंगे, देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, नया भारत बनाने के सपने को, माननीय मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे। ऐसा विश्वास आप सबको दिलाते हुए आप सबका एक बार फिर हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।